क्या बात है जमाल, आप क्यों चुप बैठे हैं? आपको खुशी नहीं हुई? गाए ना हमारे साथ, कम से कम तालियां ही बजा दें। जी तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि शहनाज भाभी ने सारी शर्तें छोड़कर रिश्ता कबूल कर लिया। क्या मतलब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? इतनी बड़ी बात मैं क्या झूठ बोलूंगी? देखो बता दो, कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही ना तुम्हें? तो पहले की तरह फिर मजाक बन जाऊंगा। भाई मैं वहाँ अकेली थोड़ी थी, आपकी बेटी समेत इतनी सारी औरतें थी। अरे अंगूठी पहनाई है मैंने, सबके सामने उन दोनों को गले लगाया है, पूछ लो। हाँ बस स्टैम्प पेपर पे लिखवाना याद नहीं रहा, कहते तो वो भी करवाई लेती। ये तो कमाल हो गया वैसे। अजरा तो ऐसे ही कमाल करती है। अब आप ताज्जुब कम करें और जाके तैयारियां करें, सबसे छोटा भाई है, जबरदस्त किस्म की शादी होनी चाहिए इसकी। इंशाल्लाह, जिस तरह इमरजेंसी में तुमने ये मंगनी की है ना, शादी उससे बड़ी होगी धूमधाम से। आपने पूरा फंक्शन हाईजैक कर लिया अजरा भाभी। यहाँ तक उनकी मिठाई भी उठा के ले आई तुम। अरे भाई अगर एक प्लेट गुलाब जामुन उठा कर ले आई तो कौन सा गजब हो गया। अब फर्क, तुम एक काम करो, ये मिठाई उठा के जरा वो साजिशों का जो मोर्चा है ना उसमें भी दे आओ, उनको भी तो पता लगे कि इस घर में खुशी आने वाली। बाज नहीं आओगी तुम? अरे आज तो हक बनता है मेरा, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मैंने, जाओ। चलो भाई चलो, अब कोई दूसरा गाते हैं गाना। चलो भाई हम गाना गाए, तालियां बजा लो। बजा मेरा गुलदारा, हम बड़ी दुदले का सहारा, तीर तेरा तेरी तेरी आना, जोड़ी चल तेरी से जोड़ी ना। ए इधर आओ, इधर इधर जल्दी आओ, खाना नहीं खाया क्या आज? गाने वाने आते हैं तुम्हें? गाने आते तुम्हें शादी के? अरे भाई गाने वाने आते हैं, घर में शादी है, अब मैं अकेली कितना गला फाड़ूंगी। चलो भाई चलो गाओ, चलो चलो गाओ गाओ गाओ। वो वाला आता देसा दा राजा, हम वही गा रहे थे। चलो देसा दा राजा मेरे बाबुलदा प्यारा, देसा दा राजा मेरे बाबुलदा प्यारा, मारा को दोस्त क्या कर रहे हो तुम लोग? हुआ क्या है? अरे अपनी मंगनी की खुशी में, और किस लिए? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? किससे? किससे? इतनी जल्दी भूल भी गया? समन से भाई, अब ये मत पूछना समन कौन है। अरे भाई आप लोग भी तो उसको पूरी बात नहीं बता रहे ना। अजरा भाभी ढोलकी में गई थी तो वहां पर समन और शहनाज से मुलाकात हुई। फिर क्या पैचअप हो गया? कैसे? ऐसे अजरा भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अच्छा शहनाज आंटी को डर होगा कि आप चार लोगों के सामने कोई हंगामा ना खड़ा कर दें, बस इसीलिए आपका दिल रखने के लिए कह दिया होगा। अरे कुरैशी साहब मुझे मिले थे ना, अजरा जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। वाकई? और वो अलग घर वाली शर्त? अरे भाई दो चार बातें मैंने ऐसी की ना शहनाज को कि वो लाजवाब हो गई। भाई मैंने तो अंगूठी पहनाने से पहले भी बोला कि भाई एक दफा और इजाजत दे दो, खुल के अपने मुंह से कह दो, कहीं बाद में ये ना कहो कि जबरदस्ती अंगूठी पहना दी थी। वाह भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भाई वैसे बाहर मेरी बड़ी इज्जत है, घर में ही कोई नहीं पूछता मुझे। अब ऐसी बात भी नहीं है, हम सब आपके कहने सुनते हैं। अच्छा कैसे नहीं लगाएगा मक्खन, इतनी बड़ी मुश्किल जो हल कर दी आपने इसकी। लेकिन इसके लिए तो ट्रीट होनी चाहिए भाई तुम्हारी तरफ से। हाँ ये आइडिया अच्छा वैसे। अभी? अरे अभी कैसे जाएंगे, बच्चे सो गए हैं, मुश्किल होगा बाहर जाना। अरे तो भाई ऑर्डर करके घर मंगा लेते हैं ना, बड़ी भूख लग रही है, शाम से कुछ नहीं खाया मैंने। और मिठाई तो बनती नहीं? नहीं नहीं भाई भाई